तृतीय पहाड़ी बाबा पूज्य श्री अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री देवदास जी महाराज, इनका जीवन भी ऐसे ही विलक्षण जीवन था। आपका जन्म ब्रज में तो नहीं हुआ, उपब्रज में हुआ, ब्रज के निकट, ब्रजस्य समीपे उपब्रजम, ब्रज के निकट जन्म हुआ। वहां तक ब्रज की संस्कृति है। एक छोटे से कमतरी गांव में आपका सनाढ्य विप्र कुल में, कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण कुल में, उपाध्याय कुल में आपका जन्म हुआ। ये दो भाई थे, महाराज छोटे थे, अभी छोटे बालक ही थे, मुश्किल से आयु रही होगी 12-13 वर्ष की। जनेऊ तो आपका परिवार में संस्कार पवित्र थे तो समय से हो गया था। उस मंदिर का भी इस बार हम दर्शन करके आए जहाँ की ये घटना है। तो मंदिर है वहाँ, राम जानकी का मंदिर कहा जाता जगिया, वहाँ कीर्तन हो रहा था और महाराज खेलते बालकों के साथ खेलते खेलते ऐसे ही लेट गए तो नींद आ गई। उसी समय एक भयंकर नाग, वो मणिधर सर्प ही था, वो सर्प नाग आया और आकर इनके पेट पर कुंडली मारकर बैठ गया। और जहां धोंकनी चलती है ना, जहां इस धोंकनी की जगह को अपनी जीभ से चाटने लग गया। उसके ठंडे ठंडे स्पर्श और चाटने से आपकी आंख खुली और देखते ही तो एकदम बोलती बंद। भला कौन बोल सकता है ऐसी स्थिति में। और वो सांप बड़ी जोर की आवाज कर रहा था, उसकी आवाज को सुनकर लोगों का ध्यान गया और कितने जल्दी परिसर खाली हो गया पता ही नहीं चला। गाने बजाने वाले भी लोग बैठे थे, कुछ कीर्तन भजन हो रहा था, वो सब भाग गए, ढोलक और हारमोनिया छोड़ के सब भाग गए। महाराज के शरीर के पिताजी भी वहाँ थे, उनको गाने बजाने का शौक था, वो भी गाते बजाते वो भी चले गए। महाराज जी कहते उसी समय हमें ज्ञान हो गया कि ये सर्प नहीं है, यह साक्षात काल है, सारी सृष्टि को यही निगल रहा है और मानव शरीर का फल तो भगवान का भजन है। कहा हे रघुनाथ जी, आपके मंदिर में हम पड़े हैं, काल मेरी छाती पर बैठा है और धोंकनी चाट रहा है, यदि आप हमें जीवन देंगे तो फिर बचा हुआ जीवन हम आपके चरणों में ही न्योछावर करेंगे, केवल भजन करेंगे, दूसरी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। ऐसा मन में संकल्प करते ही वह नाग, उसने चाटना बंद कर दिया और दाहिने कंधे की ओर से उतरा। महाराज तो लेटे ही थे, सिर के ऊपर पूरा फण फैलाकर उसने छाया की और फिर उनके चरणों की ओर से होकर पूरी परिक्रमा की उस नाग ने। और जब वो आगे गया तो महाराज जी उठ के खड़े हुए तो नाग मुड़ गया और पूंछ के बल पे खड़े होकर महाराज सुनाते थे, मैंने देखा इतना बड़ा फण होगा उसका, अब मैं फुट तो नहीं गिन सकता हूं पर इतना बड़ा फण उसका होगा। कहते उसी क्षण संसार से इतना तीव्र वैराग्य हुआ कि अब माता पिता भाई मित्र किसी के प्रति अणु मात्र ममता नहीं रहेगी, एकदम सब संसार के प्रति उदासीनता आ गई और अपने आप भीतर से राम 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 अपने आप जप होने लग गया। हम अंतर्मुख हो गए। पिताजी ने, स्वयं पंडित थे, ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो गोरमी में एक बहुत अच्छे शास्त्री जी थे, ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, उनके पास ले गए, सारी घटना सुनाई। तो उन गोरमी के शास्त्री जी ने कहा इनका जन्मांग देखकर और सर्प छाया किया मणिधर सर्प ने, इसका विचार करके उन्होंने कहा कि ये बालक, इस प्रकार के संस्कार वाला बालक
या तो सारी धरती का चक्रवर्ती सम्राट होता है या फिर यति सम्राट होता है, योगी राज होता है। तो बोले राजा वाले ग्रह तो प्रबल नहीं है, पर ये महान योगी महान तपस्वी होगा, संत समुदाय में राजाधिराज के समान यह गरिमा प्राप्त करेगा। महाराज जी का भाव और पुष्ट हो गया कि अब तो साधु बनना ही है। बोलती अपने ओर से बोलना बंद कर दिया था, लोग सोचते थे कि सांप के चाटने से बोली चली गई, लेकिन बोली गई नहीं थी, वाणी गई नहीं थी, आपने अपनी इच्छा से बोलना बंद कर रखा था। एक दिन कुछ समय बाद सहज वैराग्य हुआ और फिर भाग चले और घर से निकलकर कहां कहां ट्रेन में बैठकर कैसे जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो वहां जगन्नाथ जी को महाप्रसाद तो सबको मिलता ही है, वहीं पड़े रहते, आसपास कहीं भी लेट जाते, और महाराज जी सुनाते थे कभी कभी, बहुत ध्यान से सुने, महाराज जी सुनाते थे कि एक बालक हमको रोज मिलता और हमको दो पैसा देता। कितना पैसा? एक बालक रोज हमको मिलता और हमको दो पैसा देता, पैसा तो था नहीं पास में, तो दो पैसा इसलिए देता था कि दो पैसे में एक बड़े दोना भर के काजू मिलता था। तो महाप्रसाद तो जगन्नाथ जी का भोग जगन्नाथ जी की इच्छा से लगता, कब लगेगा कब मिलेगा, और वहाँ आनंद बाजार में तो कुछ सेवा दो तो मिलेगा, बिना सेवा दिए मिलेगा भी नहीं। फिर भी कोई ना कोई साधु को पवा देता अपनी ओर से भी थोड़ी सेवा करके। तो महाराज जी कहते कि दो पैसा का एक भर दोना काजू आता था, और वो पैसा मिलते ही हम तुरंत बाहर से काजू खरीद लेते, जगन्नाथ जी को अर्पित करके काजू पा लेते। काजू रोज पाए, महीनों तक वहाँ काजू पाए, एक डेढ़ महीने तक। एक दिन अकस्मात चित्त में बहुत विक्षेप हो गया, विक्षेप हो गया तो प्रायः हम मौन रहते, अपनी इच्छा से मौन रहते थे, नाम तो भगवान का बोलते थे, पर चाहते बोलना तो बोल सकते थे। तो कहते वहाँ एक वृद्ध महात्मा से हमने पूछा कि अब बहुत विक्षेप हो रहा है, बिल्कुल यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या कारण है? उन महात्मा ने कहा तुम्हारी माता मरणासन्न है, तुम्हारे वियोग में, मृत्यु सैया पर पड़ी है और तुम्हारी बार बार चिंता कर रही है, तुम्हारे लिए रो रही है, इसलिए तुम्हें विक्षेप हुआ है, और उसकी मृत्यु के पूर्व तुम्हें उसके निकट जाना ही चाहिए, माँ की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, तब आप वहां से चलकर फिर पधारे और आकर के आपने माँ का दर्शन किया। माँ बिल्कुल सूख के कांटा है गई, लोगों ने बताया कि तो कुछ खाती पीती नहीं है, खाली रोती रहती है, दो महीना से ऊपर हो गया। तब महाराज जी को भी रोना आ गया मैया के प्रेम को देख करके, तो मैया को फिर प्रेम से पवाया। आज मैया ने कुछ थोड़ा सा अन्न ग्रहण किया, बहुत प्रसन्न हुई, और मैया बोली कि मैं मर जाऊं तो तू चलो जइयो, बस भले ही तू पढ़े लिखे नहीं भजन कर, पर मैं मर जाऊं तो चलो जइयो। हमने भी किधर ठीक है मैया, इतना प्रेम है तो जब तक तुम्हारा शरीर है यहीं रहूंगा, फिर चला जाऊं। मैया धीरे धीरे ठीक होने लगी, शरीर में शक्ति आने लगी। 8-10 दिन हुए थे, प्रसाद पाना भी मैया ने शुरू कर दिया था, और 8-10 दिन बाद ही उसको नेक बुखार आया, और उसी में जैसी आराम मैया चली गई। ठाकुर जी जिसको अपनी ओर लेना चाहते हैं कैसी लीला करते हैं। मैया का संस्कार हुआ और महाराज जी कहते जिस दिन मैया की तेरे ही हुई भंडारा हुआ, उसी रात को फिर हम घर छोड़कर निकल पड़े और सीधे वृंदावन आए। वृंदावन में टोपी कुंज के महाराज जी थे, परम पूज्य भक्तमाली श्री माधवदास जी महाराज, महंत श्री माधवदास जी महाराज,
पूज्यपाद पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने उन्हीं के चरणों में बैठकर भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त किया। सिद्ध पुरुष थे ब्रजमंडल के, उनके पास महाराज जी पहुंच गए, वहां रहे। डेढ़ दो महीने रहने के बाद उनसे दीक्षा की प्रार्थना की। उन जमानों में इतने जल्दी लोग दीक्षा नहीं देते थे कि आश्रम में आज आया आज ही मुड़ के चेला बना दो, बहुत परीक्षा करते थे तब दीक्षा देते थे। आपने कहा महाराज हमें दीक्षा दे दो, हमें कंठी दे दो, किसी से मंत्र नहीं लिया हमने। तो बाबा श्री माधवदास जी महाराज ध्यानस्थ हुए और कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु खाकचौक में हैं, दुती पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, तुम्हारा दीक्षा का संस्कार वहाँ होने को लिखा है, पर वे जल्दी किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, पर आज ही तुम चले जाओ और कहना कि बाबा मेरा नाम लेकर बोलना कि उन्होंने भेजा है और दीक्षा की प्रार्थना की है, उन्होंने कहा कि महाराज से दीक्षा ले लो, मेरी प्रार्थना सुनकर वो दीक्षा दे देंगे। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने कृपा पूर्वक महाराज जी को दीक्षा प्रदान की। ये जो तृतीय पहाड़ी बाबा हमारे पूज्य सद्गुरुदेव जिनसे हमने चतुर्थ आश्रम की दीक्षा प्राप्त की, वैष्णवी दीक्षा संस्कार और शिक्षा पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से प्राप्त की, पर विरक्त वेश चतुर्थाश्रम की दीक्षा हमने परम तपस्वी योगीराज श्री स्वामी पहाड़ी बाबा श्री देवदास जी महाराज से कृपापूर्वक प्राप्त की। तो ऐसे तो महाराज का ग्रह त्याग हुआ, आप विचार कीजिए, ऐसे महाराज जी का ग्रह त्याग हुआ और फिर खाकचौक बहुत समय तक गौ सेवा, रसोई सेवा, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद गुरु जी की आज्ञा से आप भ्रमण पर निकले, तो कितने घूमे, ध्यान से सुनो, कितने घूमे, एक लंगोटी, एक कमरिया और एक कमंडल, बस इतना लेकर बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊं इसके घूमे। कहाँ तक घूमे, मानसरोवर तक पैदल गए, कैलाश की परिक्रमा पैदल की, अफगानिस्तान तक पैदल गए, काबुल गंधार तक पैदल गए, और पैदल गए ही नहीं बाबा, भारत के किसी कोने का नाम ले लो उसके एक एक गांव को बता देते थे, उस गांव में अमुक व्यक्ति हमको इतने समय पूर्व मिला था, क्या उनकी स्मृति थी भगवान जाने, शायद कंप्यूटर में भी इतनी सामर्थ्य शायद होती हो कि नहीं भगवान जाने, हम तो जानते नहीं कंप्यूटर को, ऐसी विलक्षण उनकी शक्ति थी। भारत पाक विभाजन तो था ही नहीं, पूरे देश का 21 वर्षों में उन्होंने भ्रमण किया, कितने साल घूमे, 21 वर्ष, रोटी मांग के नहीं खाते थे, चुटकी आटा मिल जाता उसी को एक टिक्कड़ धुनी पर बना लिया और 24 घंटे में एक बार खा लिया। गाजीपुर में गंगा किनारे एक महान तपस्वी संत थे, बड़े योगीराज थे, उनसे आपने हठ योग की क्रियाओं को प्राप्त किया, प्राणायाम में बहुत कुशलता प्राप्त की आपने, सभी आसन आपको सिद्ध थे, लेकिन अभी मन की प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि महाराज जी जो चाहते थे वो अभी उन्हें नहीं मिला था। तो खाकचौक में महंत पद पर बैठने के बाद सन 1932 में महंत पद पर बैठे, किस सन में, 1932 में महंत बन गए और अपने गुरु भाई को सेवा संभला करके बिना किसी को बताए अकस्मात फिर खाकचौक से चल पड़े भजन और तपस्या के लिए। मन में धुन चढ़ी कि काग उसुंडी जी पर विशेष कृपा महाकालेश्वर उज्जैन में हुई, हम उज्जैन में जाएंगे, मन में भाव बन गया, उज्जैन की ओर चले, पैदल पैदल चलना था,
चलते चलते देवास के निकट पहुंचे जंगल में, तो वहां एक शिवालय था बहुत पुराना जंगल में ही। उस शिवालय में आप लेट गए, बहुत थके हुए थे, लेट गए। जैसे ही लेटे थोड़ी नींद लगी ही होगी कि अकस्मात किसी महापुरुष ने आपकी जटा पकड़ के आपको सोते से उठाकर बिठा दिया। आपने जैसे ही नेत्र खोले तो इतना प्रकाश के नेत्र चकाचौंध से भर गए। उस प्रकाश में अखंड विभूति धारण किए हुए, डमरू और त्रिशूल लिए हुए भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। महाराज जी कहते, स्वप्न नहीं, जटा पकड़ के उन्होंने हमको उठा के बिठा दिया। और हंस करके मेरे सिर पे हाथ रख के कहते हैं, जा बच्चा, तेरा कल्याण होगा, यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा, जो तू पाना चाहता है वो मिल जाएगा। ये कह के अंतर्धान हो गए। बोले, मैंने निश्चय किया जब तक मन को पूरी तरह संतुष्टि देने वाले कोई महान सिद्ध पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक मैं उत्तर दिशा छोड़ूंगा नहीं। चल पड़े। ये बात है अगहन की, अगहन महीना, मार्गशीर्ष मास की बात है। मार्गशीर्ष में ठंड शुरू हो जाती है। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक, 5-6 साल की उम्र होगी, एकदम नग्न, वो सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो महाराज जी कहते थे कि हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी ठंड में ये नंगा घूम रहा हो सकता, जंगल का बालक हो, या गरीबी है ये, और जंगली बालक हो, लेकिन अकेला है, घूम के नंगा कैसे घूम रहा है। तो महाराज जी ने उससे पूछा, बालक भगवान, यहाँ आसपास में कोई जंगल में संत रहते हैं क्या? वो बालक हंसकर बोला कि बाबा, ऐसे संत रहते हैं कि मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। कह के अंतर्धान हो गया। आप आगे बढ़े, वे ही संत परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज आपको दिखाई पड़े। केवल शरीर पर एक कौपीन मात्र थी, जटा इतने विशाल थे कि चमेली के झाड़ पर फैलाया गया था उनको, मने लटका नहीं सकते, सिर में इतने जटा थे उनके, जटा चमेली के झाड़ पर फैले थे और बाबा बैठे थे धूना पर। जैसे ही आपने जाकर प्रणाम किया, प्रणाम करते ही उन्होंने कथा कहनी आरंभ की, बिना किसी परिचय के प्रणाम करते ही बोले, तुम्हारा जन्म ब्रज के निकट मुरैना जिले में अमुक गांव में अमुक गोत्र में अमुक परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ, और ऐसी ऐसी घटना से तुमने गृह त्याग किया। अब तक के जीवन की सारी घटनाएं उन्होंने सुना दी और यह भी कह दिया कि तुमको मार्ग में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक भूल तुमसे अब हो गई है। क्या? बोले, जो नंगा बालक मिला था वो बालक नहीं थे, वो सनकादिकों में से साक्षात श्री सनत कुमार जी थे। वहीं चरण पकड़ लेते तो तुम्हारा काम वहीं बन जाता, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब फिर तुम उन्हें पहचान नहीं सके। कोई बात नहीं, स्नान करो। कुइया थी, आज भी वो कुइया है। स्नान किया, स्नान करके फिर क्या महाराज जी को बताया और क्या दिया, ये बात महाराज जी नहीं बताते थे। कहते, बस स्नान करके मुझे सामने बिठाया, अब मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया, जिसके लिए घर छोड़ते साधु बनते वो काम हमारा पूरा हो गया। ऐसा कह करके महाराज जी बहुत भावुक हो जाते थे। ब्रज में वहां से गुरु जी ने आदेश दिया, परमन जी महाराज ने आदेश दिया कि तुम चित्रकूट में जाकर साधन करो। आप उनसे साधन लेके चित्रकूट पधारे। चित्रकूट में जहां प्रमोदवन का क्षेत्र है, यहां आपने रहकर साधन किया। महाराज जी कहते थे, ऐसी स्थिति थी कि मनुष्य शरीर में केवल हमारा ही शरीर था,
उस क्षेत्र में भालू शेर ये सब घूमते थे जंगल में, तो बेर और कैंथा खा करके भजन किया वहां। एक करवी का वैश्य आया, वो एक मटकी भर के आटा दे गया और कुछ नमक दे गया, तो वो काफी समय के बाद उसका दर्शन हुआ था पर खा नहीं पाए। उसी बीच में एक घटना घट गई। घटना यह घटी, ये जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी ये बातें, क्यों कहीं पुस्तक में छपी नहीं है, पर अपनी गुरुजनों से सुनी हुई परंपरा के अनुसार जो मेरी स्मृति में हो हम बोल देते हैं, कहीं न कहीं तो सुरक्षित रहेगा ही। तो बोले कि जैसे ही भजन में बैठे, ध्यान में बैठे, तो एक महात्मा ने मेरे ध्यान को खोल दिया। एक महात्मा मेरे सिर पर ऐसे हाथ रखा, ऐसे हिलाया, मेरा ध्यान खुल गया। अकस्मात मैंने देखा तो सामने एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि, जिनके मस्तक पर बहुत विशाल जटाएं हैं, एक लंगोटी मात्र शरीर पर है और कुछ नहीं है। वे महर्षि अधर में खड़े हैं संत, और उन्होंने कहा, बच्चा यहाँ नहीं, तेरी भजन में सिद्धि तेरे गुरु स्थान में होगी, वृंदावन चला जा, कह के अंतर्धान हो गए। आपने फिर अपने मन को अंतर्मुख करने की कोशिश की, फिर ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद वे महात्मा फिर आ गए, फिर उठा दिया, ए सुनता नहीं है, चला जा वृंदावन, ठाकुर जी की सेवा में बहुत परेशानी हो रही है, ये उन्होंने कहा। महाराज जी ने कहा हमको कहीं नहीं जाना, मन में सोचा कहीं नहीं जाना, यहीं भजन करना है। हमारे गुरु जी ने कहा चित्रकूट में जाके साधन करो, सिद्ध गुरु जी ने। रात्रि को फिर ध्यान में बैठे तो वे महर्षि फिर आ गए सामने। अब की बार तो ध्यान में ही नहीं जाने दिया, बोले मैं तीसरी बार आया हूं, तुम हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते हो, मेरी इच्छा के बिना यहां नहीं रह सकते हो, जाओ वृंदावन चले जाओ, गुरुस्थान में सेवा करो वहां भगवान की। महाराज जी कहते अब मेरी समझ में आए कि कोई सिद्ध पुरुष है, तो मैंने प्रणाम करके कहा कि आप कौन हैं? मैं महर्षि अत्रि हूं। क्या कहा? मैं महर्षि अत्रि हूं, इस समय तुम्हारे गुरुस्थान में तुम्हारे गुरु भाई बहुत कष्ट में हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा अव्यवस्थित हो रही है, वहीं जाकर भजन करो, वहीं सिद्धि मिलेगी। तब आप प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले। महाराज जी कहते एक मटकी अन्न एक दिन पहले मिला था आटा, उसको खाने का नंबर ही नहीं आया, वहीं जंगल में वो एक मटकी आटा छोड़ करके, और फिर वहां से चले तो ग्वालियर आए। अंग्रेजी शासन था उस समय, महाराज जी को ग्वालियर में कुछ भेंट मिल गई, वो भेंट से फिर वृंदावन आए। गुरु भाई रोने लग गए कि रो क्यों रहे हो? बोले आप जब से गए हैं साल भर के करीब होने आई है, दो तीन महीने के बाद कलकत्ते से जो सेवा आती थी वो बंद हो गई, आश्रम में किसी प्रकार का साधन तो है नहीं, एक बीघा जमीन नहीं है, और मूल पुरुष पहाड़ी बाबा ने आन दी थी कि हमारी गद्दी पर जो बैठेगा वो न कभी किसी से एक रुपया मांगे और न एक मुट्ठी अन्न मांगे, भिक्षा भी हम कर नहीं सकते। अब कुछ बेच बाज करके अब तक सेवा की, आज वह स्थिति है कि आज ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगा है। तब क्या भोग लगाया? बोले केवल दही का भोग लगाया, कुछ नहीं है, अन्न का एक कण आश्रम में नहीं है। शिव वृंदावन बिहारी लाल की, हमारे श्री महाराज जी
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामलला वाले महंत जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। तो महाराज जी कहते थे कि जो कुछ था वो हमने दिया, उसे कुछ आटा दाल चावल आया और कुछ पैसा था उसकी जलेबी आई। राम जी को पहले जलेबी का भोग लगा और कहते तब से यहाँ हम हैं। कहते कहते व्याकुल हो जाते थे, बोले इसी वृंदावन में श्री नारद शुक सनकादिक घूम रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा घूम रहे हैं, अधिकारी जीवों को उनका दर्शन होता है। एक दिन हमने कहा महाराज जी आप आरती के बाद बहुत देर तक ऐसे नीचे सिर किए बैठे रहते हैं, फिर सिर झुकाते बार बार। महाराज जी बोले बच्चा मैं अपनी बात किसको बताऊं, खुली आंखों से बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध और आचार्यों का मैं दर्शन करता हूं। ऐसी उनकी स्थिति थी। जब आपको ये अवस्था नहीं मिली थी उसके पहले ही श्री जी की कृपा हो गई। खाक चौक में पुजारी थे तो पूज्य श्री लक्ष्मणदास जी महाराज बड़े सरल ब्रजवासी संत थे, बड़े सरल थे। अब पुजारी के प्रति स्थानधारी का प्रेम स्वाभाविक होता ही है, क्यों ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे वो प्रिय होता है। तो बढ़िया मलमल की धोती महाराज को उन्होंने पुजारी होने के नाते दे रखी थी। तब जटा नहीं बनाए थे, केश थे महाराज के, और बोले कपड़े की जूती पहन रखी थी। पता नहीं था कि जूता पहन के परकम्मानी करते हैं 84 कोस की। तो चमोली चमोली बन है ना, तो चमेली बन के पहले एक खेत की मेड से जा रहे थे तो तीन छोरियां बहुत जोर से हंसी, तीन लालियां थी और तीनों बड़ी जोर से हंसी। हे बाबा सुने ना है, कहां जा रहे हो, दूल्हा सो सजो धजो कहां जा रहे हो। तो इनको बड़ा खराब लगा कि ब्रज की कन्याएं भी बड़ी कैसे स्वभाव की होती हैं बताओ, मैं जवान संत मुझे दूल्हा बता रही है। तो महाराज जी कहते गुस्सा तो आए पर उनसे क्या करते, सिर हमने झुका लिया, उनकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। हे बाबा नेचे नार डार के का देख रहा, हमारी बात तो सुन, ऐसी मलमल की धोती पहर के और जूता पहर के साधु नाए बने, साधु बनो है तो यहां ते थोड़ी दूर चमेली बने चमोली बने, वहां एक लंगोटी में रह भजन कर, चैटानते कट तब तो ये भजन को स्वाद मिलेगो। महाराज जी कहते ये बात कह के तत्काल वे तीनों लालियां अंतर्धान हो गए, खड़े खड़े लुप्त हो गई। तब समझ में आया कि यह कोई चमत्कारिक घटना थी, ये सामान्य बालिकाएं नहीं थी। कहते हम तो अपनी साधु वाली मर्यादा में थे तो हमने आंख उठाकर देखा ही नहीं, उनके चेहरे की तरफ तो देखा ही नहीं। अब चमेली वन में गए, अपनी झोली भी दे दी, अचला भी दे दिया, उसमें कहाँ कपड़ा मिलता था, एक लंगोटी में वहाँ रहे, जमीन में ही सोते ब्रजरज में ही, और लाल लाल मुड़ के चेंटा पेड़ों से गिरते वो काटते तो खून निकल आता, पत्ती चबा करके भजन किया। बाद में ब्रजवासी कुछ आटा पहुँचाने लगे, रोटी महाराज किसी की छुई खाते नहीं थे, आटा पहुँचाने लगे तो फिर महाराज जी एक टिकड़ बना लेते थे। वहाँ 6 महीना भजन किया, उस भजन काल में अनुभूति हुई कि ये भजन की आज्ञा देने श्री ललिता विशाखा के सहित साक्षात राधा रानी पधारी थी। महाराज जी इस घटना को सुना करके रो पड़ते थे कि बच्चा हमें भजन में राधा रानी ने लगाया है। ब्रजभूमि के प्रति उनका अगाध प्रेम था, ब्रजरज के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हम तो अपने को इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे महापुरुषों का पादाश्रय हमें मिला और हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य। महाराज भी बहुत लंबी आयु तक विराजमान रहे, ठीक ठीक आयु का निर्णय कर पाना तो बहुत कठिन है, लेकिन अनुमान है कि करीब करीब
117 या 118 वर्ष की आयु तक तृतीय पहाड़ी बाबा धरती पर विराजे और इसके बाद उन्होंने अपने भगवान की लीला में प्रवेश किया। तो इनका जीवन भी संपूर्ण जीवन गो सेवा में गया, अपने हाथ से गो सेवा में। आज हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराज जी को तेज बुखार था, तृतीय पहाड़ी बाबा हमारे गुरु जी, बुखार था, दवाई लेते नहीं, लंगन करके और बस काढ़ा वाढ़ा पी के गर्म पानी पी के इलाज करते थे, वो अपने अपने ढंग का इलाज था उनका, दवाई लेते नहीं। तो महाराज जी को हमने प्रार्थना की कि महाराज जी दूध ले लीजिए, अन्न तो लेते नहीं थे, फलाहार करते थे। महाराज जी ने कहा मुझे उठा के बिठा दो, क्यों, बुखार बहुत तेज था। उठा के बिठाया तो भगवान के मंदिर से आए हुए दूध के गिलास में प्रसाद को उन्होंने आपने दोनों हाथ से स्पर्श करके सिर से लगाया और कहा पी जा। तो हमने कहा महाराज जी आप ले लीजिए। अरे मैंने कहा ना पी जा, आज मेरे शरीर से गो सेवा नहीं बनी है, इसलिए मैं गाय के दूध को पीने का अधिकारी नहीं हूँ। क्या कहा, जो स्थान के महंत मुखिया गद्दी नसीन जो कहो, जो सारी सेवा करते, आज केवल बुखार के कारण गैया की सानी नहीं बना पाए, प्रत्यक्ष अपने हाथ से गो सेवा नहीं कर पाए, इसलिए अस्वस्थ अवस्था में भी उन्होंने दूध नहीं लिया। आज स्थानों में हमें घी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, और कहें कि जाओ गौशाला में झाड़ू लगा आओ, गोबर उठा लो, अरे हम ही राजी नहीं है, दूसरा कौन राजी होगा। हमारे मन में भावना तो रहती है कि हम गो सेवा करें, गोबर उठावें, सेवा करें, लेकिन भगवान ने दूसरा विभाग दे रखा है, उस सेवा में इतनी व्यस्तता बनी रहती है कि चाह कर भी संभव नहीं हो पा रहा है। या तो ये समझो, या ये समझो कि हमारी निष्ठा की कमी है, निष्ठा होती तो कैसे भी निकाल लेते समय, तो हम गो सेवा नहीं कर पाते हैं प्रत्यक्ष। पर यह उनका जीवन था, जिस दिन भगवत धाम गए उस दिन भी अपनी आसन के नीचे से कुछ पैसा लेकर कहा हरा पालक खरीद के लाओ, मैं गैया को खिलाऊंगा। अपने हाथ से शरीर भगवत धाम जाने के आधा घंटे पहले अपने हाथ से सब गैयों को बुला करके अपने हाथ से हरा खिलाया महाराज जी, और फिर थोड़ा काढ़ा पिया, स्नान करने गए, स्नान करके आए और आसन पर बैठ गए। बोले हमको थोड़ा पसीना और घबराहट हो रही है, हम अयोध्या जी में श्री छोटी छावनी में श्री भक्तमाल जी की कथा कह रहे थे, 2003 की बात है, और पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी राम कथा कह रहे थे और दास भक्तमाल की कथा कह रहा था, उस समय की बात है। भगवत धाम जाते समय उन्होंने हमारी स्मृति की, उनको बुलाओ मैं कुछ कहना चाहता हूं, हम अनुपस्थित थे, और ये बात अनेकों बार कही थी, जिस समय मैं चाह लूंगा कि मुझे जाना है बैठे बैठे चला जाऊंगा, बैठे बैठे चले गए। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग, ऐसे पूज्य गुरुजनों की स्मृति। तो दास के मन में यह विचार आया और पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज जी के साथ बैठकर एकांत में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि ये शताब्दी महोत्सव की जो प्रेरणा मन में जगी है और इन दोनों महापुरुषों का स्मरण पूरे देश में सब तीर्थों में करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका उद्देश्य इन महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करना होना चाहिए, और इन दोनों महापुरुषों की प्रसन्नता किसमें होगी। तो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कहा इन दोनों गोभक्त महापुरुषों की प्रसन्नता इसी में होगी कि सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव के माध्यम से
संपूर्ण देश में गो उपासना की एक जागृति हो, गो सेवा की क्रांति लोगों में आवे, गोरक्षा की क्रांति आवे, गो सेवा की क्रांति आवे, तो यह संपूर्ण वर्ष ये महोत्सव गोरक्षा गो सेवा की भावना जन जन में जागृत हो, पूरे देश में जागृत हो, पूरे विश्व में जागृत हो, यही एक पवित्र संकल्प लेकर के किया जा रहा है। श्री जी के दरबार में कोई खाली हाथ जाता नहीं। हम सब हृदय से श्री जी से प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे करुणामयी, हे वृषभानुनंदिनी, हे श्री कृष्ण प्राण बल्लभे, हम सब पर ऐसा अनुग्रह करें कि इसी सद्गुरु जन शताब्दी वर्ष के मध्य के काल में ही कोई एक ऐसा अवसर आवे कि कम से कम भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए।